Alright, so what's up everybody? Welcome back to my channel. This is Sal Sirkar, is back again with a new day, new vlog. और आज के vlog में हम आपको दिखाने वाले that how we shoot a commercial reel. Alright, so कुछ दिन पहले एक कंपनी है, जी हाँ बहुत बड़ा कंपनी है, सेटपेट, नाम तो सुना ही होगा. तो उस कंपनी ने मुझे अप्रोच किया और उन्होंने कहा कि हम आपको कुछ प्रोडक्ट्स भेज रहे हैं, उस प्रोडक्ट के ऊपर एक स्मूदेस्ट सेक्सीएस्ट रील बना के दीजिए. तो बॉस अभी हम दिखाएंगे आपको कि एक प्रॉपर कमर्शियल रील किस तरह से शूट किया जाता है. जब बात आती है स्मूदेस्ट और सेक्सीएस्ट रील बनने की, और स्मूदेस्ट और सेक्सीएस्ट रील मतलब एक स्मूदेस्ट और सेक्सीएस्ट सिनेमेटोग्राफी, और जब बात आती है सिनेमेटोग्राफी की देन तो भाई साहब नो वन इज बेटर देन इन आवर टाउन एक्सेप्ट स्पाइडी अका शुभ्रो शाहा. तो क्या हाल भाई साहब, शुरू करे? हाँ भाई. चलो कर दे फिर. तो बस इसने कैमरा लेके आ चुका है. तो भाई साहब एक कमर्शियल रील शूट करनी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ भी पहन लूँ, कुछ भी कर लूँ, कभी भी कैसे भी कोई सा भी लुक के साथ शूट कर लूँ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू गेट रेडी. मैं पता है वो कैसे? तो बॉस एक कमर्शियल शूट करने के लिए एक प्रॉपर मॉडल गेटअप भी चाहिए. तो एक प्रॉपर रील एडवर्टाइजमेंट बनाने के लिए हमारे पास कुछ चीज़ें रहनी चाहिए, वो है प्रोडक्ट, सिनेमाटोग्राफर, इक्विपमेंट, लाइट्स. इम्पॉर्टेंट इज स्टोरी ऑफ दैट एडवर्टाइजमेंट, किस तरह से प्रॉपर एग्जीक्यूशन के साथ उसको एग्जीक्यूट करना विद अ सिनेमैटिक शॉट्स टू. देखते हैं अब ये तो हमारे सिनेमाटोग्राफर के हाथों में कैसे होने वाला है. So for this shoot, I am going to use Canon 200D with a brightness. This is 50mm, 1.8. इससे आपको ज़्यादा sharp images मिलेंगे, ज़्यादा sharp videos मिलेंगे product का, और aperture 1.8 पे है, तो side में blur भी अच्छा खासा मिल जाएगा. फिर हम artificial light use कर रहे हैं, so हमें aperture कम रखना important है कि उससे ज़्यादा brightness मिलेगी. For this shot, I am using 60fps. आपके कैमरे में 120 है, so you can use it. 60fps से आपको ज़्यादा बटरी स्मूथ स्लो मो मिलेगा. आप 40% तक वीडियो को स्लो कर सकते हैं एडिटिंग के टाइम. चलिए शुरू करते हैं अभी. तो भाई साहब जैसे कि आपको पता है कि एक ब्रांड की कमर्शियल शूट करने के लिए हमें सबसे पहले उसके प्रोडक्ट को एक सिनेमैटिक व्यू देना है, और सिनेमैटिक व्यू के निर्देशक एक सिनेमाटोग्राफर के अलावा कोई हो ही नहीं सकता. तो बॉस इसमें भी हमारे सिनेमाटोग्राफर अपने जी जान से आइडियाज़ डालने में लग गए और फाइनली एक आउटकम के साथ आ गए. तो भाई साहब फाइनली प्रोडक्ट की सिनेमैटिक सीन्स की शॉट होती है पूरी, पर अभी भी इस एडवर्टाइजमेंट का अंतिम पड़ाव बाकी था, और जो कि था मेरा शूट. जी हाँ, मॉडल के बिना एक एडवर्टाइजमेंट हमेशा ही अधूरी रहती है. तो बस अब आ चुके थे हम अपने स्टोरी को कंप्लीट करने और उस शूट को एक प्रॉपर कंप्लीट एंड देने के लिए. तो जैसे कि मैंने बताया था कि एक ऑफिशियल एक कमर्शियल रील एडवर्टाइजमेंट शूट करने के लिए आपके प्रोडक्ट के साथ साथ आपके पास एक स्टोरी भी रहनी चाहिए, और हमारा स्टोरी ये है कि हमारे पास दो वैक्स है एंड दो अलग अलग वैक्स है, और दो अलग अलग वैक्स को हम लोग किस तरह से उसको यूटिलाइज कर सकते हैं. सो दैट्स वाई मैंने एक ऐसा स्टोरी बनाया है कि एक
यू आर अ कॉलेज बॉय एंड यू आर गोइंग टू अ कॉलेज, एंड कॉलेज में भी आपको ऑब्वियसली एक अच्छा खासा पर्सनैलिटी बना के रखना है, एंड दैट्स वाई यू हैव टू सेट योर हेयर. अलग पार्ट जो है साहिल का ही, दैट विल बी व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ डेट, आपको कैसा लुक चाहिए. लेट्स गेट स्टार्टेड. ये पता क्या है, आप जो सोच रहे हो ये वो नहीं है, ये है सेडविट का एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जो नीचे अनफॉर्चुनेटली गिर गया. अब पता है ये कब होता है, ये तभी होता है जब आपके पैसे से आप ये खुद प्रोडक्ट्स खरीदे नहीं हो और आपको ब्रांड ने खुद भेजा हो, तो बस आपका पैसा जा रहा है ना कुछ जा रहा है, आपको उसने प्रोडक्ट भेजा है तो इसमें गिरे या नहीं गिरे, इसलिए इस पे दिल पे चोट नहीं लगा. अगर ये प्रोडक्ट अपने पैसे से आया होता तो शुभ्रत तो भाई साहब रो ही देता और मेरा पता नहीं मैं क्या करता. बट एनीवेज फाइनली एक सीन जो कंप्लीट हो चुकी है, और ये सीन को शूट करने के लिए हम लोग को तकरीबन 40 से 45 मिनट्स लगे, एंड अभी टाइम है चेंज करने का एंड उसके बाद द फाइनल लुक के साथ शूट को एंड करने का. लेट्स गो. तो अभी हम व्लॉग बंद करने वाले हैं क्योंकि हमें थोड़ी सी जल्दी है, इसीलिए अभी हम लोग व्लॉग को पॉज कर रहे हैं फॉर अ टाइम बीइंग, ताकि हम लोग ये जो बची कुछ सीन है वो फटाफट खत्म कर सके. तो फाइनली भाई साहब आफ्टर 1 आवर शूट हम लोग का शूट हो चुका है कम्प्लीट, एंड अगर आपको ये कमर्शियल रील देखना है तो गो एंड चेक आउट द डिस्क्रिप्शन. डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया अपने चैनल पे रील का, तो वहां जाके आप लाइक कर सकते हैं, एंड ऑल्सो फॉलो शुभ्रो साइनेक्स आका स्पाइडी, उसका भी लाइक पेज का लिंक एंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. और भाई से तो तैयार भी हो चुके हैं भागने के लिए, और तब तक के लिए बाय. तब तक के लिए बाय फ्रॉम शुभ्रो एंड बाय फ्रॉम मी ऑल्सो. सो विद दैट, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस ब्लॉग. इफ यू एंजॉयड इट डोंट फॉरगेट द लाइक बटन, एंड इफ यू न्यू टू दिस चैनल देन क्या करो, सब्सक्राइब कर दो एंड ज्वाइन दी साहिल सेकर फैमिली. ये फैमिली है तो सब कुछ इनवाइट करेगा, सब कुछ शादी में इनवाइट जरूर करना. हाँ हाँ एकदम, सबको ईमेल पहुंच जाएगा. सो मिलते हैं अगले किसी ऐसे व्लॉग एवरी पे, तब तक के लिए बाय बाय, चेक केयर, शबा खैर. चलो बाय ब्रो, क्या कर रहे हो भाई, या बाय.